और अदानी हिंडनबर्ग विवाद के बाद सरकार अब रेगुलेशन को सख्त कर सकती है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बेहतर रेगुलेशन के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। खबर की डिटेल के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा के पास। बताइए तरुण, पूरी खबर क्या है, क्या तैयारी कर रही है सरकार सख्ती के लिए, जो कमेटी बना रही है उसमें क्या अपडेट है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी सुनवाई थी। शुक्रवार को सेबी और सरकार को कहा था कि वो अपना हलफनामा दायर करें, और उस हलफनामा में सरकार ने साफ तौर से कहा है कि अभी के जो रेगुलेशंस हैं, जो फ्रेमवर्क हैं, वो अदानी जैसे केसेस को देखने के लिए इक्विप्ड है। लेकिन फिर भी यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये एक्सपर्ट कमेटी की ज़रूरत है तो सरकार उस पर तैयार है। सरकार अपनी एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएगी जो इस तरीके की क्या फ्रेमवर्क को चेंज किया जाना चाहिए इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए, वो एक्सपर्ट कमेटी देख सकती है। तो बुधवार तक सरकार अपने एक्सपर्ट कमेटी में क्या क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे और कौन कौन इस एक्सपर्ट कमेटी का मेंबर होगा, ये सुप्रीम कोर्ट को बताएगी और शुक्रवार को फिर इसकी हियरिंग होगी। लेकिन सरकार ने साफ तौर से कहा कि एक्सपर्ट कमेटी बनाना इसलिए भी जरूरी है कहीं जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसको उस पर कहीं एडवर्स इफेक्ट ना पड़े अदानी जैसे मैटर के लिए। इस वजह से एक्सपर्ट कमेटी यदि सुप्रीम कोर्ट को चाहती है तो वो बनाने को तैयार है। लेकिन जो हाल के जो फ्रेमवर्क है वो सेबी ने साफ तौर से कहा कि वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी है और नए फ्रेमवर्क की जरूरत इस समय नहीं लग रही है। लेकिन फिर भी यदि एक्सपर्ट कमेटी की जरूरत है तो उसको बनाया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे तरुण आपका इस पूरी खबर के लिए।